बहुत काबिल है शायद भाई का बेटा। मुझे तो वो लोग सलमा में इंटरेस्टेड लगते हैं। सलमा में क्यों इंटरेस्टेड? सलमा के रिश्ते के लिए और क्यों? आपका क्या ख्याल है? पेंटिंग बनवाने के लिए इंटरेस्टेड है हमारी बेटी। इतना जौक कहाँ भाई उन लोगों में? देखा नहीं था क्या बातें कर रहे थे आर्ट की तालीम के बारे में? खैर, कुछ इतना गलत भी नहीं कह रहे थे। इस उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, आपने ही उसे लंबी पढ़ाइयों में डाल रखा है। छोटी उम्र की शादी के मैं वैसे ही खिलाफ हूं। यही मुनासिब उम्र है शादी की। वैसे मुझे तो ये घराना बहुत पसंद है। अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरी सलमा का रिश्ता मांगा तो मैं तो जरूर गौर करूंगी। मैं सिर्फ गौर ही करना। क्यों, हर्ज क्या इसमें? भाई इकलौता बेटा है, हमारी बेटी राज करेगी। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि वो लोग इरादा करें तो मैं फौरन से पहले रिश्ता तय कर लूं। नहीं, सलमा पहले तालीम मुकम्मल करेगी, उसके बाद उसकी शादी होगी, बस। मैं कितनों को ना करूं, रिश्तेदार पूछते हैं, मिलने वाले पूछते हैं, आते रिश्तों को ना करने से ना बेबरकती होती है। लोग समझते हैं कि हम घमंड करते हैं, हमें दौलत का गरूर है। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? मंगनी करवा लो, उसके बाद 4 साल बिठाए रखो एक तरफ, माशाल्लाह। मैं तो पहले ही कहती थी भाई, आपने ही उसको इतनी लंबी पढ़ाइयों में डाल रखा है, हमने कौन सी नौकरी करवानी है? नौकरी की बात नहीं है, नौकरी करवानी हो या ना करवानी हो, डिग्री होना जरूरी होता है। बहरहाल जब वक्त आया ना तो हमें शाहिद भाई के बेटे को तो जरूर नजर में रखना चाहिए। बस तब की तब देख जाएगी। नज़्म का उन्वान है तुम्हारे हुस्न के नाम। यारे मन, ख्वाहिशें ख्वाब मोहब्बत है असासा, लेकिन यारे मन ख्वाहिशें ख्वाब मोहब्बत है असासा, लेकिन ज़िस्त करने के लिए और भी कुछ लाजिम है। ख्वाहिशें ख्वाब मोहब्बत है असासा, लेकिन ज़िस्त करने के लिए और भी कुछ लाजिम है। माना 100 काम है, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं। माना 100 काम हैं, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं, ऐसे आलम में उलझते हुए हर मंजर से यारे मन, चश्मे तखय्युल में उभरता हुआ एक अक्स तेरा। माना 100 काम हैं, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं, ऐसे आलम में उलझते हुए हर मंजर से यारे मन, चश्मे तखय्युल में उभरता हुआ एक अक्स तेरा। तेरा पैकर, शुक्रिया शुक्रिया, तेरा पैकर, तेरी खुशबू, तेरे लहजे के गुलाब। तेरा पैकर, तेरी खुशबू, तेरे लहजे के गुलाब, तेरी आवाज के साए, तेरी चाहत के शराब। तेरी आंखों का तिलस्माती सा मखमूर सहर। यारे मन, तेरी आंखों का तिलस्माती सा मखमूर सहर मुझको चौंकाने में नाकाम नहीं होता है। तेरी आंखों का तिलस्माती सा मखमूर सहर मुझको चौंकाने में नाकाम नहीं होता है। एक लम्हे के लिए वक्त ठहर जाता है, एक लम्हे तो कोई काम नहीं होता।
करता है। तो ये सोचा है हयात उम्र की इस महकी शाम, तो ये सोचा है हयात उम्र की इस महकी शाम, हम ही लिखेंगे गजल आज तेरे हुस्न के नाम। क्या बात है, तुम उन्वान तो देखो कितना हसीन है तुम्हारे हुस्न के नाम, और गजल ऐसी कि आप किसी ट्रांस में चले जाते हो जहां से बाहर आने को दिल ही नहीं चाहता। नाम तो वाकई बहुत खूबसूरत है तुम्हारे हुस्न के नाम। कोई शेर याद है उसका? कोई शेर? पूरी नज़्म दिल पे खुपी है, लेकिन उसका एक पार्ट है मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनाती। तेरी आंखों का तिलस्माती सा मखमूर से है, मुझे चौंकाने में नाकाम नहीं होता है। चंद लम्हों के लिए वक्त ठहर जाता है, चंद लम्हे तो कोई काम नहीं होता है। तो ये सोचा है हयात उम्र की इस महकी शाम, हम ही लिखेंगे गजल तेरे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न के। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत नज़्म है। नाम क्या बताया था तुमने शायर का? हयात तखल्लुस करते हैं, तखल्लुस भी शानदार है। दीवानी हूँ मैं इस शायर की, मुझे मिल जाना कहीं, मैं मांग लूँ उससे, मैं कहूँ ये गजल मेरे नाम कर दो। Excuse me. मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था। किस बात पे? आपने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर, कॉलेज से नहीं निकलवाया मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। कोई बात नहीं, वो अब्बा को गुस्सा ज्यादा आ गया था शायद, इसलिए अदरवाइज बात यहाँ तक ना पहुँचती। नहीं, उनका गुस्सा तो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल हक गुजारने पर, गलती मेरी थी। अब मैं क्या समझूं, आपने मेरी माजरत कबूल की, मेरा शुक्रिया कबूल किया। हम बार बार कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर? क्या बात कर रही हैं आप, मैं आपको शर्मिंदा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, आपका तो बहुत एहसान है मेरे ऊपर। हेलो। सलाम सफिया बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। अच्छा, बहुत खुशी हुई सुनकर, तो फिर हमें भी शरीक करें ना अपनी खुशी में। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अगर आप लोगों को अपनी खुशी में शरीक नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। लेकिन मुझे पहले एक बात बताइए आप, कि सलमा बेटी का रिश्ता आपने कहीं तय तो नहीं किया हुआ? नहीं नहीं, अभी तो नहीं किए। तो फिर ठीक हो गया, हम लोग बहुत जल्द एक अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं आपके घर, और इनकार नहीं सुनेंगे हम लोग, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। जी जी, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से खाना खिला दो प्लीज, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, खाना भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी और साथ में बिस्किट भी मिलेंगे, पहले काम कर ले, इतना काम मिला हुआ है। मैं आज कोई काम शाम करने के मूड में नहीं हूँ, कोई मूड नहीं है मेरा काम करने का। तो फिर मैं तुम्हारा गाना सुनने आई हूँ, काम तो एक बहाना था। वो जो सर एहसान की असाइनमेंट मिली उसका क्या करना है? उसके लिए मैं सर एहसान से कहूंगी कि एक दिन एक्स्ट्रा दे दें, आपका बहुत एहसान होगा। पागल, कहाँ रख दिया मैंने। अच्छा सुनो, हाँ वो जो
तुम्हारे अंकल थे जिनका वो हैंडसम सा बेटा था? आदिफ की बात कर रही हो? वो यहाँ कहीं करीब में ही रहते हैं ना? हाँ, यहाँ पास ही रहते हैं। अच्छा, जब हम शाम को वॉक के लिए जाएंगे ना, तुमने मुझे उनका घर दिखाना है। दिखा दूंगी, काफी ग्रैंड आर्किटेक्चर है, स्केच बनाया जा सकता है बस। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई अच्छी नहीं अब्बा, सुस्त और काहिल है। मैं काम करवाने के लिए लाई हूँ, कह रही है कि मैं तुम्हारा गाना सुनूंगी। लो, ये तो बहुत जबरदस्त बात है भाई, इस महफिल में मुझे भी शामिल करना। हाँ। देखा, ये तो सारा दिन काम की पड़ी रहती है इसे। काम होते रहते हैं, हम अब तक काम कर रहे हैं। आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? मेरे अब्बा ही हैं इसके। तुम्हारा तो मैं अब्बा हूँ, लेकिन ये भी मेरी बेटी है। खाना वगैरह खाया? बस खाने लगे हैं। बस आ जाना, आप थोड़ी देर में लगने वाला। चलो भाई, पानी तो पिला दो। क्या मतलब पानी पिला दो, तुम्हारा अपना घर है, उठ के खुद पियो। चलो उठो, शाबाश, सुस्त कहीं की। आजा आजा। तुम उन्मान तो देखो कितना हसीन है, तुम्हारे हुस्न के नाम। दीवानी हूँ मैं शायद भी, मुझे मिल जाए ना कहीं, मैं मांग लूँ उससे, मैं कहूँ ये गजल मेरे नाम कर दो। भाई कुरैशी साहब, आज तो आप माँ की छठी हिस को मान ही जाए। ओहो, क्या कारनामा दिखाया आपकी छठी हिस ने। मैं आपसे कहती थी ना कि शाहिद भाई और फरत हमारी सलमा के रिश्ते में इंटरेस्टेड है। तो कुछ कहा उन्होंने? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ ढके छुपे अल्फाज में कहा कि वो रिश्ता लेने आएंगे। ढके छुपे अल्फाज में है? एक खातून ने ढके छुपे लफ्जों में कुछ कहा, दूसरी खातून ने उन ढके छुपे लफ्जों के अंदर से कोई मतलब अखज किया, और अंदर की बात असल में ढकी छुपी ही रही है। आज आप कुछ भी कह लें, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश फहमियां बड़ी पालती हैं भाई। खुश फहमियां नहीं है कुरैशी साहब, जैसे उन्होंने बात की थी ना, उनकी बात का यकीनन यही मतलब था। चलो फिर देखी जाएगी। अरे क्या देखी जाएगी, वो रिश्ता लेने आ गए तो क्या करेंगे? जब आएंगे फिर देखेंगे क्या करेंगे। अब ऐसी हवा में केले ना बनाती फिरे ना। बात ना मानना किसी की। आप हैं सिकंदर रियाज साहब? जी। आपको सुनने का इत्तेफाक हुआ है मुझे, अच्छा शेर कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं वो आपके जो बज़्म अदब का मुशायरा ना शुरू हुआ था रेडियो से, उसका हिस्सा था। याद आया, वो बज़्म अदब वालों के साथ हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। बस इसी सिलसिले में हाजिर हुआ सर, मैं चाहता हूँ कि आप किसी प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बन जाओ। अरे बरखुरदार, किसी चलते प्रोग्राम में जगह मिल जाए तो वनी मैं जाना। देखो मियाँ, तुम्हारी शायरी को पसंद करता हूँ मैं, और हमें रेडियो पर नए लिखारियों और शायरों को मुतारिफ भी करवाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला बजट का है, इतना बजट ही नहीं है हमारे पास। तो कोई मसला नहीं है सर, आप बस मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना दें,
बजट चाहे कुछ भी ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बगैर मुआवजे के कर लूँगा काम। ये काम ठीक नहीं कर रहे तुम जी। अपने फ़न की कदर पहचाननी चाहिए तुम्हें। कदर तो कदरदान से होती है ना सर। अच्छा भाई, मुझे तो कोई मसला नहीं, पैसे भी बचेंगे और प्रोग्राम में नई आवाज़ भी शामिल हो जाएगी, मगर फिर लोग तुमसे मुफ्त में ही पढ़वाएंगे, हमारे कैरियर के लिए नुकसानदेह हो सकती है ये बात। नहीं नहीं सर, शेर व शायरी मेरा करियर नहीं है, मैं एक आर्ट कॉलेज से आर्किटेक्चर कर रहा हूँ। तो फिर रेडियो के लिए क्यों इतने आर्जुमंद हो भाई? सर मुझे लगता है कि रेडियो के ज़रिए मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच सकती है जहाँ तक मैं खुद नहीं पहुँच सकता। जो बात मैं बराह रास्त नहीं कह सकता, शायरी के ज़रिए वो बात कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जमाली साहब से मिल लो। जमाली साहब से? मैम इंचार्ज है वो, तफसील उन्हीं से मालूम कर लेना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेना। ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। तमाम सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज। मैं हूं आपका मेजबान सिकंदर हयात। कुदरत की हर अदा ज़ाते खुद शायरी है, लताफत मुसिकियत से भरपूर शायरी। चांद तारे फूल, फूलों में छुपी रंगीनी के नाम। इन रंगों में छुपी तरतीब के नाम। आज की महफिल तुम्हारे हुस्न के नाम। जो बात हम रूबरू नहीं कह सकते, उसके लिए हमें अशार का सहारा लेना पड़ता है, शायरी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आपको हमसे मुखातिब होने के लिए शायरी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप हमें खत लिख सकते हैं। आपकी फरमाइश सर आंखों पर। तो खत लिखने के लिए हमारा पता नोट फरमा लीजिए, इंचार्ज प्रोग्राम अदबी बैठक, रेडियो पाकिस्तान, लाहौर। सदके जाऊं, कितने दिनों बाद देख रही हूं तुझे, तू कितना कमजोर हो गया। अब आ गया हूं ना, तेरे पास रहूंगा तो फिर से तगड़ा हो जाऊंगा। हाँ ना, सवेर का मैंने आटा गूंथ के रखा है कि तू आएगा ना तो गरम गरम घर के मक्खन का पराठा बना के दूंगी।
तेरे जाने के बाद तो कोई मक्खन खाने वाला ही नहीं था। तो तू ये बता, सब खैर रही ना पीछे? सब ठीक ठाक था? हाँ सब ठीक था। वो तेरा चाचा बशीर है ना, उसकी घोड़ी चोरी हो गई। अच्छा ही हुआ चोरी हो गई। चोरी का माल था, जहां से आया वहीं चला गया। उसने हमारा माल हथियाया, कोई उसका हथियार लेगा? देख पुत्र, अब तू आया है ना तो अपने चाचे को सलाम करने जरूर जाना। ना क्या करना, जो सलूक चाचा ने हमारे साथ किया है ना वो उसका फेल है। वो तेरे बाप बचा है, बड़ा है तेरा। तो बड़ा है तो बड़ा बन के भी दिखाए ना। तो तू बन जा बड़ा, बड़े बाप का बड़ा बेटा। बड़े बाप का बड़ा बेटा, जब रुपए रुपए के लिए मजदूरी करता हूँ ना शहर में, तब ऐसा चला जाऊंगा, कर लूंगा सलाम, घोड़ी का अफसोस भी कर लूंगा। कल सुन, तुझे शहर में पैसों की पतंगी? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पता था तू दिल पे लगा लेगी, बस अब दिल पे लगा के बैठ गई। नहीं है तंगी मुझे, कॉलेज में कुछ खर्चा निकल आया था, बस इसलिए जरूरत पड़ गई थी। मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकी। हाँ क्या हो गया? थोड़े से पैसों की जरूरत थी, 400-500 रुपए की बात थी, हो गया था बंदोबस्त। तू सच कह रहा है? क्यों झूठ बोलूंगा तुझसे? देख सरा, तेरे आने की खुशी में मेरी माती मारी गई है। तुझे खाने पानी का भी नहीं पूछा मैंने, अभी लेकर आती हूँ कुछ। कली नहीं की इस दफा दीवारों की? कमरों की कली कर ली है। तो सैन की क्यों नहीं की? इन दीवारों को देख के ना लगता है कि तू मेरे साथ है। गांव वाले बड़ा कहते हैं कि तेरा बेटे ने ये क्या बनाया था, लेकिन मैं ना इन तस्वीरों को मिटने नहीं देती। ले, आंखों में धुआं लगेगा जा। कुछ नहीं, सारी जिंदगी तो शहर वाला हो गया। लगा अंदर, तेरा कॉलेज कैसा है? बहुत खूबसूरत है अम्मा, सुर्ख ईंटों से बना हुआ, बड़े बड़े बरामदे, ऊंची ऊंची छतें। तुझे पता है अंग्रेजों ने बनाया था ये? और मास्टर कैसे हैं? बहुत काबिल, बहुत पढ़े लिखे। हाँ अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ तस्वीरें बनाना सिखाते हैं? सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाते अम्मा, तस्वीरें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, वो क्या होता है, मुजस्मे बनाते हैं। और बच्चे कैसे हैं? कौन बच्चे? जो तेरे साथ पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे, सारे बड़े अच्छे बच्चे। अच्छा, सारे बच्चे जो हैं वो शहर के हैं या कोई गांव से भी आया? सारे शहर के बच्चे हैं, एक अकेला मैं ही हूँ गांव का बच्चा। अच्छा, तो तेरी जमात में लड़कियां भी पढ़ती हैं? हाँ अम्मा, बड़ी लायक लड़कियां, सलमा तो सबसे ज्यादा लायक है। हाँ तो वो घबराती घबरूती नहीं है कि लड़कों के साथ पढ़ रही? नहीं नहीं, घबराना क्या, बड़े अच्छे घरों से आने वाली लड़कियां, गाड़ियां खुद चलाती हैं, सलमा खुद गाड़ी चला के आती है। बड़ी तेज लड़की है। बड़ी तेज लड़की है, कभी भी कुछ भी कह देती है। सलमा ने तो मेरी दरख्वास्त भी वापस कर दी थी जब मैंने उसको लिख के दी थी। ये सलमा कौन है?
अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं? आई हैव मार्क्ड योर असाइनमेंट्स और रिजल्ट्स। ओह माय गॉड, मरियम शहबाज ट्रैश। Muniza, trash. Hanif Butt, sir, काबिले कबूल है। Abbas, trash. Sara. हाँ, सायरा अजहर ट्रैश है। मियां अहमद ट्रैश। सलमा कुरैशी काबिले कबूल है। हाँ, सिकंदर इल्ताफ किधर है? तो एब्सेंट सर, वो सब अपने गांव गए। अपने गांव गया है? एक लड़का गांव से आता है और एक आर्ट इंस्टीट्यूशन में दाखला लेता है। Who has an excellent sense of design and art. And you people, you babus and babies, आप क्या कर रहे हैं भाई? ये स्टैंडर्ड चाहिए मुझे, ये स्टैंडर्ड। आप सब लोग अपनी असाइनमेंट दोबारा करेंगे। तो सर, काबिले कबूल वाले भी? जी, काबिले कबूल वाले भी, और करते रहेंगे जब तक आप इसके करीब नहीं पहुंचते या यहां तक, तब तक आप ये करते रहेंगे। हां, हम एनाटॉमी पे बात कर रहे थे। सिकंदर चला गया भरजाई? नहीं पा, आज निकलेगा, अभी तो वो खेतों की तरफ गया। खड़े खड़े आया था मुझसे मिलने, और मैंने कहा मैं खुद ही पता कर लेता हूँ, उसको तो दोबारा आने की तौफीक ही नहीं हुई। नहीं पा, जाने से पहले उसने सलाम करने आना था तुझे। मैंने सुना उसने डॉक्टरी का कॉलेज छोड़ दिया, अब कहीं तस्वीरें बनाता है जाके। हाँ पा, बेहोश हो गया था डॉक्टरी कॉलेज में। तो उसको कह मर्द बन और दिल को मजबूत कर और समझा पर जाए उसको, अगर तेरी नहीं मानता तो मेरे पास भेजती, मैं समझा देता। पा, उसकी मर्जी नहीं थी तो मैं जबरदस्ती कैसे करती उसके साथ? वाह पर जाई वाह, अब तूने उसके दिल के पीछे उसको वो रंग रोगन का काम सीखने भेज दिया, कमियों का काम। ना पा, वो रंग रोगन ही सीखता, वो तो जो मकान बनाने से पहले कागज पे बनाते हैं ना, वो करता है। अच्छा अच्छा, जो भी कहते हैं, किस काम की ये पढ़ाई? मैं तो कहता हूँ क्या कमाएगा क्या खाएगा? घर बनाएगा। घर बनाएगा और ताजमहल बनाएगा, और मैं पूछता हूँ कमाएगा क्या? हाँ, मेरा सिकंदर ना बड़ा मेहनती है, देखना वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, अपने बाप का ना नाम ऊंचा करेगा। वो बाप का नाम ऊंचा करेगा और ये तस्वीरें बना के और दीवारों पे कोयला फेर के, और जैसे इसने दीवारों पे कोयला फेरा है ना, बाप के नाम पे भी वैसे ही कोयला फेरेगा, नाम ऊंचा करेगा। हयात साहब, आपकी शायरी दिल को छू लेने वाली है।
मैं आपका हर प्रोग्राम सुनती हूँ और मुझे आपकी तकरीबन तमाम गजलें याद हैं। आज मैं जिस गजल की फरमाइश कर रही हूँ वो आपकी तमाम गजलों पर भारी है। मेरी फरमाइश जरूर पूरी कर दीजिएगा, बस एक बार तुम्हारे हुस्न के नाम सुना दीजिए। आपकी मदा सलमा। बिजनेस बनाने का सोच रहा था, बस तुम्हारे आने का इंतजार था। बहुत जबरदस्त बात है, मैं खुद भी इस तरह की कोई बात सोच रहा था, लेकिन ये है कि बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट, और पैसे को वैसे भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। मेरी भी यही सोच है। तो फिर क्या सोचा, कौन सी इंडस्ट्री लगाने? शुगर मिल के बारे में क्या ख्याल? शुगर मिल आइडिया तो बहुत अच्छा, लेकिन इससे बेहतर आइडिया है मेरे पास। वो क्या? और वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भाई बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कभी नुकसान में जाएंगे। हॉस्पिटल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ना लोग कभी बीमार होना छोड़ेंगे और ना ही लोग कभी कपड़ा बनाना छोड़ेंगे, खासतौर से लड़कियां। सेफ बेट है। लेकिन फिर उसमें तो कपड़ों पर डिजाइन विजाइन बनाने के लिए कहां से लाएंगे? इतना बड़ी इतनी कोई बड़ी बात, छोटा सा मसला है। पैसे देने हैं आपने कुछ 100, बेहतरीन डिजाइनर मिल जाएगा। बल्कि वो कौन सा कॉलेज है आर्ट, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन भिजवाइए वहाँ पे डोनेशंस, पीआर बनवाइए प्रोफेसर से, एक से पढ़कर एक आपको डिजाइनर देगा, और पैसा हमारे पास है, एक जाएगा दूसरे के लिए। हाँ वो तो ठीक है, डोनेशन तो मैं देता रहता हूँ, इसलिए मेरी पीआर है हर जगह पे। ठीक है, तुम फिजिबिलिटी बनाओ, मैं मशीनरी इंपोर्ट करने का परमिट बनवाता हूँ, और बिस्मिल्लाह करते आप बस भिजवाइए डोनेशंस, बाकी देख लेते हैं। हाँ वो चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। खाब बुनने वाली उंगलियों से लिखे खत, रंगों में खेलने वाले हाथों के लिखे खत। किसी ने फरमाइश की है एक नज़्म की, किसी के लिए लिखी हुई एक बहुत ही हसीन नज़्म। वो नज़्म भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खत के एजाज में इस फरमाइश करने वाले के लिए एक और नज़्म। सलमा कौन है? तो जनाब पेशे खिदमत है वो नज़्म। सलमा कौन है? वो मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिलनशी मंजर, तखय्युल में बसा महका हुआ एक मरमरी पैकर। पढ़े आंखें पढ़े ये दिल, उसी के नाम का कलमा। कहूं कैसे किसी से मैं कि आखिर कौन है सलमान? वो खुशबू है या जादू है, समाज का सुकून है वो। गुलाबो सा हसी लहजा, समाज का फसू है वो। सितारा सी हसी आंखों का वो हुस्ने बयां वल्ला। कहां ले जाऊं इस दिल को, न जाए ये अमावल्ला। नशा है वो खुमारी है, न जाने कब से तारी है,
सुकून है वो मेरे दिल का या शायद बेकरारी है। पढ़े आंखें पढ़े ये दिल उसी के नाम का कलमा। कहूं कैसे किसी से मैं कि आखिर कौन है सलमा। कहूं कैसे किसी से मैं कि आखिर कौन है सलमा। कल रुए हयात प्रोग्राम सुना तुम लोगों ने? नहीं यार, मिस हो गया। तुमने सुना था? कोई नई गजल सुनाई उसने? नई गजल सुनती तो हैरान रह जाती। क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें? पिछले हफ्ते मैंने उन्हें खत लिखा था और उसमें फरमाइश की थी कि तुम्हारे हुस्न के नाम सुना दीजिए, तो उन्होंने मेरे नाम पे गजल ही लिख दी। तुम्हारे नाम पे गजल कह दी, क्या मतलब? खत में मैंने अपना नाम लिखा था ना, तो उन्होंने सलमा के नाम गजल लिख दी। सलमा कौन है? अरे भाई, इत्तफाक से हो गया होगा या फिर किसी और के नाम लिखी हुई गजल पे तुम्हारा नाम लिख दिया होगा। तुम सुनती ना गजल तो कभी ना कहती है। और ये भी लिखा था कि गजल उन हाथों के नाम जो रंगों से खेलते हैं। तुमने ये तो मेंशन नहीं किया था कि तुम आर्टिस्ट हो। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं है कि किसी आर्टिस्ट के हाथ होंगे। जो भी कहो, मुझे तो लगता है कि उसने मुझे देख रखा है और वो गजल मेरे लिए थी, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारे हुस्न के मैं ग्रीन हूं।